इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप अपने एंड्रॉइड फोन को आसानी से कंप्यूटर में कैसे बैकअप कर सकते हैं। हेलो नमस्ते, मेरा नाम एकता है। पर सबसे पहले तो सवाल ये है कि अपने फोन का बैकअप क्यों लें, इसकी क्या जरूरत है। देखिए, अगर आपका फोन गुम जाता है तो आपका सारा डेटा भी उसके साथ जा सकता है, जैसे कि पिक्चर्स, वीडियोस, मैसेजेस सब जा सकते हैं। अगर आपका फोन एकदम से खराब हो गया या फिर कोई नए सॉफ्टवेयर या वायरस की वजह से सारा डेटा करप्ट हो गया तो भी आपका सारा डेटा हमेशा के लिए गायब हो सकता है। आजकल हमारे फोन्स पर बच्चे लगे रहते हैं, कभी गेम्स तो कभी यूट्यूब। ऐसे में हमारे फोन पर कहीं गलती से उन्होंने कोई जरूरी चीज डिलीट कर दी या फिर पूरा फोन ही रीसेट कर दिया, तो इसलिए फोन का बैकअप लेना जरूरी है ताकि अगर डेटा चले भी जाता है तो हम उस बैकअप से उसे वापस ला सकते हैं, डेटा को रिट्रीव करके उसे रिस्टोर कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले अपने ब्राउजर में ऊपर टाइप करिए sync-droid.com। ये सिंक ड्रॉइड की वेबसाइट खुल गई। यहाँ पर देखिए ऊपर कुछ टैब्स हैं। यहाँ पर हम डाउनलोड के टैब पर क्लिक करके इस नए पेज को खोल लेते हैं और यहाँ पर आपको तीन अलग अलग तरह के डाउनलोड दिख जाएंगे। अगर आप आईफोन, आईपॉड वगैरह यूज करते हैं तो फिर आप ये सिंक आईओएस मैनेजर को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप आईओएस और एंड्रॉइड के बीच में डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप इस फाइल को यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास एंड्रॉइड फोन है और मैं उसे अपने पीसी के साथ सिंक करके उसका डेटा ट्रांसफर करना चाहती हूँ, उसका बैकअप लेना चाहती हूँ, तो मैं ये डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर देती हूँ और अब इस फाइल को अपने कंप्यूटर में सेव कर लेती हूँ। ये देखिए, ये सिंक ड्रॉइड exe फाइल जो है ये लगभग 24 MB की फाइल है जो मेरे कंप्यूटर में डाउनलोड हो रही है। अब जाहिर सी बात है कि अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो होगा तो आपको थोड़ा समय लग सकता है। ये देखिए, ये फाइल आ गई। अब हम इसे खोल करके और अब हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। अब नेक्स्ट के बटन पर क्लिक किया, ये फोल्डर हमें बोल रहा है चुनने के लिए। हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं, फिर नेक्स्ट पर आए और यहाँ पर हम डेस्कटॉप आइकन क्रिएट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट पर हम जाते हैं और इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करके अब ये सिंक ड्रॉइड हमारे कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो रहा है। चलिए अब फिनिश के बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए, अब वो बोल रहा है कि आप अपने फ़ोन को अगर अपने पीसी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पर दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप अपने फ़ोन को कंप्यूटर के साथ USB केबल द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं और दूसरा तरीका जो है उसमें आप वाईफाई नेटवर्क द्वारा भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर पहला तरीका दिखाने वाली हूँ जो है USB केबल। ये देखिए, ये रहा मेरा फ़ोन। मैंने USB केबल द्वारा इसको पहले से कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन क्योंकि ये Samsung S7 Edge है तो मुझे यहाँ पर कुछ और भी करना होगा। ये मैंने फ़ोन पर इंटरनेट खोला और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ android.com/file transfer और ये जो फाइल है मुझे अपने मोबाइल में डाउनलोड करनी होगी। आप USB डिबगिंग को भी इनेबल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अब मैं डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर रही हूँ क्योंकि मेरा Samsung S7 Edge है। चलिए यहाँ पर देखिए, ऊपर ये फाइल जो है ये डाउनलोड हो चुकी है। मैंने इसे खोला और यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये androidfiletransfer.dmg ये जो फाइल है ये हमारे मोबाइल में डाउनलोड हो चुकी है। चलिए मैं इसे खोल लेती हूँ। वो बोल रहा है cannot open file। ये रहा, इसे खोल लिया। वो बोल रहा है cannot open file, इसका क्या मतलब? Transferring media files via USB। इसको खोला और ये जो है use USB for, तो आप USB को चार्जिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मीडिया फाइल्स ट्रांसफ़र करने के लिए, इमेजेस के लिए, या फिर MIDI डिवाइसेस जो होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए भी USB को इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं ट्रांसफरिंग मीडिया इमेजेस पर ही क्लिक रहने देने वाली हूँ। चलिए अब आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ मेथड 1। तो अब हम कनेक्ट के बटन पर क्लिक कर लेते हैं। अब ये हमारे फ़ोन के ड्राइवर को चेक कर रहा है और हमारे फ़ोन के साथ कनेक्ट कर रहा है। ये देखिए,
ये आ गया मेरा फोन और अब वो बोल रहा है बैकअप या फिर रिस्टोर। आप देख सकते हैं कि यहाँ फ़ोन की मेमोरी जो है वो इतनी इस्तेमाल हुई है, लगभग 25 GB में से सिर्फ 14 GB ही इस्तेमाल हुई है। और ये है मेरा एक्सटर्नल SD कार्ड, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कितना ये इस्तेमाल हुआ है। चलिए हम जो है यहाँ पर बैकअप के बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब ये एक नई स्क्रीन सी खुल गई है, यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या बैकअप करना है। आप SMS बैकअप करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट्स बैकअप करना चाहते हैं, कॉल की जो लॉग्स हैं यानी कि उसकी जो हिस्ट्री है, आपको किसने कॉल किया, आपने किसे कॉल किया, आप उससे बैकअप करना चाहते हैं, ब्राउज़र के बुकमार्क को बैकअप करना चाहते हैं, कोई अगर फ़ोटो एल्बम है उसे, बाकी फ़ोटोज़, या फिर कोई ऑडियो है या फिर वीडियो। चलिए मैं जो है वीडियो पर क्लिक कर देती हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन दे रही हूँ तो मैं SMS कर देती हूँ क्योंकि ये फटाफट से हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे है इनपुट बैकअप नेम, आप यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं इस फाइल का। मैं यहाँ पर इस फाइल का नाम दे रही हूँ SMS बैकअप। और अब वो मुझसे पूछ रहा है कि इसके बारे में कोई नोट, आप चाहे तो यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो मैं लिख देती हूँ S7 एज और मैं आज की डेट लिख देती हूँ 29 मार्च 2017, और बैकअप के बटन पर क्लिक कर दिया। तो ये देखिए, ये मेरे सारे SMSs बैकअप हो गए। अब अगर आप चाहें तो आप अपने बैकअप को यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। ये देखिए, ओपन बैकअप पर क्लिक किया और ये जो फोल्डर है ये इसके अंदर SMS बैकअप नाम का एक अपने आप से फोल्डर क्रिएट हो गया है। और यहाँ पर रहे SMSs, इधर क्लिक किया, ये XML फाइल के रूप में आ गया है। इसको हम इस तरह से ओपन कर सकते हैं या फिर हम ओपन विद पर क्लिक करके, और ये देखिए, ये मैंने इसे माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र में इसे खोल लिया। तो ये मेरे सारे के सारे SMSs बैकअप हो गए। चलिए इसे मैं क्लोज़ कर देती हूँ। वापस इस विंडो को खोला तो बहुत ही आसान है और बिल्कुल फ्री ऐप है, आप इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। जाने से पहले दो ज़रूरी बातें। पुराने एंड्रॉयड फ़ोन्स में डेवलपर ऑप्शंस होती थी और वो काफ़ी इजीली एक्सेसिबल होती थी, उसमें कोई भी जा कर के USB डिबगिंग को एनेबल कर सकता था। लेकिन अब जो नए वर्जन्स आ रहे हैं एंड्रॉयड के, उसमें USB डिबगिंग जो है उन्होंने ढूंढना थोड़ा मुश्किल कर दिया है। इसीलिए मुझे android.com पर जा कर के फाइल ट्रांसफ़र नाम की एक फ़ाइल पहले डाउनलोड करनी पड़ी और फिर उसे एनेबल करना पड़ा। दूसरी बात, मैंने इंटरनेट पर कुछ जगह पर इस ऐप के रिव्यूज़ पढ़े हैं, कुछ लोग कहते हैं कि उनके WhatsApp के जो बैकअप्स हैं वो नहीं ले पाते वो। ऐसी सिचुएशन में अगर आप चाहें तो आप कोई और ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ इधर, यह है coolmaster.com। आप चाहें तो आप यहाँ से ये वाली जो ऐप है इसे खरीद सकते हैं, जो लगभग $26 की है, या फिर आप इसका ट्रायल वर्जन डाउनलोड करके इसे कुछ समय तक इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक और अल्टरनेटिव भी हो जाता है। तो अब बैकअप तो हमने ले लिया, अगर हमारा फ़ोन कभी घूम जाता है या अगर कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा डेटा है जो गायब हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें। ये यहाँ पर देखिए, ये है रिस्टोर। रिस्टोर पर आप क्लिक करके किसी भी समय अपनी चीज़ें रिस्टोर कर सकते हैं। तो अगर कोई डेटा चला गया है और आपको उसे रिस्टोर करना है तो यहाँ पर ये रिस्टोर का बटन है, आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और इधर आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा। फिलहाल क्योंकि मैंने सिर्फ SMS बैकअप लिया है इसलिए मुझे ये दिख रहा है, अगर आपने अलग अलग चीज़ें यहाँ पर बैकअप की होती थी तो ये यहाँ पर आपको इस तरह से ड्रॉप डाउन मेन्यू में दिख जाता। यहाँ आपको डेट दिख रही है कि आपने किस डेट को बैकअप लिया था और जो भी आपने नोट लिखा था। तो अगर आपने एक महीना पहले या अगर आपने दो हफ्ते पहले कोई बैकअप लिया था तो वो उस समय का डेटा जो है वो रिस्टोर हो जाएगा, जो लेटेस्ट डेटा है वो रिस्टोर नहीं होगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपने फ़ोन को रेगुलरली बैकअप करते रहें, जिससे कि आपका डेटा लॉस ना हो अगर आप रिस्टोर का बटन दबाते हैं तो।
चलिए यहाँ पर रिस्टोर है, आप चाहें तो आप रिस्टोर पर क्लिक कर सकते हैं और उससे होगा ये कि अब हमारे फोन में जो भी हमारे एसएमएसेस थे वो सबके सब रिस्टोर हो जाएंगे। चलिए ये हमारा रिस्टोर एसएमएस बता रहा है कि फिनिश हो गया है, फिनिश के बटन पर क्लिक कर दिया। हाँ, जाने से पहले एक और बात, देखिए ये तो मैंने आपको एक एक्सटर्नल ऐप के बारे में बताया। हाँ, एक और आपको बात बतानी ज़रूरी है और वो ये कि अगर आप यहाँ से इस तरह से स्लाइड करते हैं और यहाँ ऊपर सेटिंग्स में जाते हैं और सेटिंग्स के बाद क्लाउड एंड अकाउंट्स पर जाते हैं तो भी आप यहाँ पर इस फ़ोन को बैकअप एंड रिस्टोर कर सकते हैं। आपके पास स्मार्ट स्विच की ऑप्शन भी है। ये देखिए, अगर आप बैकअप एंड रिस्टोर पर क्लिक करते हैं तो आप अपने डेटा को बैकअप कर सकते हैं और अपने गूगल अकाउंट का डेटा भी बैकअप कर सकते हैं। लेकिन ये वाले जो फीचर्स हैं ये सिर्फ सैमसंग में अवेलेबल हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको जनरल एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए दिखा दिया है। तो देखा आपने, बहुत ही आसान है, आप कुछ ही मिनट्स में अपने एंड्रॉयड फ़ोन का बैकअप अपने पीसी में आसानी से ले सकते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। YouTube पर लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और वीडियो को सबके साथ शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की नोटिफिकेशन या सूचना लगातार पा सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। मैं हूँ एकता, थैंक यू, धन्यवाद।